Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Jatin और आपको आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे. दैट मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ये कहीं कहीं कोई एग्जाम में पूछता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सोचे कि ये भी छोड़ते नहीं हैं. आप मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए, मेरा वीडियो लंबा जरूर जाएगा लेकिन हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करें, इसलिए आप हमारे वीडियो और जो भी हमारे वीडियोस पे यूट्यूब चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए. सो लेट्स किल दिस टॉपिक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स. हाँ, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स का देखते हैं. मैट्रिसेस का कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे अब हमें पढ़ना है रैंक ऑफ ए मैट्रिसेस. उससे पहले हम एक टॉपिक इन्वर्स देखते हैं. वैसे इन्वर्स हम बता दिए, फिर भी इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं. इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा. ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज आई के बराबर हो, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ए बी इज आई और बी ए इज आई, मतलब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. एज्यूम किए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज आई. ए बी आई के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है. या बी ए एक्सचेंज किए ए बी को बी ए से, ऑर्डर यहाँ इम्पोर्टेंट इस केस में नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन इस केस में नहीं है. ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी ए इज आई, देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए. जो नया मैट्रिक्स हम बी एज्यूम किए हैं वो ए का इनवर्स होगा. अब कैसे, जैसा कि हम कंडीशन आपको बताएं, ए बी इज आई और बी ए इज आई, यहां से ए को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, बी को यहीं रखेंगे. ए को ट्रांसफर जब करते हैं तो क्या आ जाएगा, आई डिवाइडेड बाय ए. जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स. सो ए का इनवर्स क्या है, यहां से बी. यहां से भी देखेंगे बी ए इज आई, बी आई के बराबर है. अब ए बी को यहीं रहने देते हैं, ए को फिर मूव ऑन करा देते हैं इस साइड. सो आई बाय ए ये इनवर्स हो जाता है, ए इनवर्स दिस इज बी. सो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस, एक स्क्वायर मैट्रिसेस है ए. बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए बी बराबर आई और बी ए बराबर आई. यहाँ से क्या करते हैं, ए को राइट साइड भेजते हैं तो आई बाई ए आ जाता है, ए को ऊपर ले गए तो ए इनवर्स. सो बी इज ए मैट्रिक्स विच इज द इनवर्स ऑफ ए. इस पोजीशन से भी लाते हैं, ए बी को यहीं रहते हैं, इसको फिर ले जाते हैं, फिर दिस इज इनवर्स ऑफ ए. सो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए बी ये कंडीशन को वो ओबे करना चाहिए, ए बी बराबर आई और बी ए बराबर आई. सो ए बी को इधर से रिप्लेस किए, बी को वहीं रखें. सो ए इज बी इज इनवर्स ऑफ ए, यहाँ से भी बी इज द इनवर्स ऑफ ए आ जाता है. अब हम देख लिए इसका इनवर्स कैसे निकलता है. अब एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको,
A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A, that is determinant of A into identity matrix. This is also identity matrix of order n. अब ये इसके बराबर होता है, ये हम पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज में बताए थे, A into adjoint of A या adjoint of A into A, A into adjoint या adjoint into A बराबर determinant of A into identity matrix. A is a non-singular matrix. अब नया एक टर्म आता है non-singular. अब इसका मतलब हम समझते हैं. Non-singular it means this, मतलब उसका determinant जीरो नहीं होना चाहिए. मतलब इनवर्स उसी का हो सकता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, यानी कि इनवर्स उसी का पॉसिबल है जिसका जो मतलब नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर इट मींस उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है. इट्स डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए इनवर्स विल बी पॉसिबल. मतलब इनवर्स किसी का तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं हो, यानी डिटर्मिनेंट नॉट शुड बी जीरो. यानी कि इफ ए मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्टिबल बोलिए या इनवर्स बोलिए, इफ ए मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल देन तभी हो सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट यानी इज ए नॉन सिंगुलर. सिंगुलर मतलब हो जाता है जीरो, सो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल. सो यहाँ से एक आ जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वही इनवर्स दे सकता है, यानी कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिसेस विच इज नॉन सिंगुलर, देन इट्स इनवर्स विल बी पॉसिबल. इफ इट इज सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका हम मतलब इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल. एक नया पॉइंट आ गया यहाँ से, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल. ऐसा आ जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो उसी का इनवर्स हम निकाल सकते हैं. तो यहां से एक टर्म आ गया क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल. इन्वर्टिबल इज नथिंग, दिस इज द इनवर्स, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल. दिस इज द इम्पोर्टेंट. क्यों, अब यहाँ से देखते हैं क्यों उसका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन. यहाँ से क्या करेंगे, ए अब इसको आई के बराबर कर दिए, यहाँ से I के बराबर करने के लिए ये डिटर्मिनेंट से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो देखिए दोनों तरफ डिवाइड है, कुछ नहीं किए हैं. यहाँ से आई एन को आई एन छोड़ दिए, डिटर्मिनेंट बाकी में दोनों में डिवाइड कर दिए, तो डिटर्मिनेंट आ गए. अब देखते हैं, अब ये एक मैट्रिक्स है, अब ये एक वैल्यू है, तो यहाँ से इन्वर्स निकाल लेते हैं. तो इन्वर्स ये ए को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से एक चला जाएगा, यहाँ से भी ये चला जाएगा, तो ये आएगा, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए इनवर्स. तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और सोचिए अगर नीचे जीरो हो जाए, तो हम तो आज तक पढ़े हैं कि अगर किसी का बेस जीरो हो जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन यूडी हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है. मतलब कि अगर जिस किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो हो, तो अभी तक पढ़े वन बाई ज़ीरो इज अनडिफाइन. वैसे ही अगर यहाँ जीरो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो ये यूडी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा. इसीलिए अगर
मतलब किसी का हमको इनवर्स निकालना है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल हो सकता है. सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल क्यों? क्योंकि यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, आई के बराबर कर दिए, आई बाई ए, आई बाई ए दिस इज इनवर्स. इन्वर्स में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस बेस में आ जाता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर किसी का जीरो हो तो वो क्या हो जाता है, यू भी हो जाता है, अनडिफाइंड केस हो जाता है. तो यहाँ पे क्या आया, एक वेरी गुड टर्म, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल. देख रहे थे नॉन सिंगुलर, अब उसको थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं. ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, एक सेंटेंस है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल. मतलब इन्वर्टिबल दैट मीन्स इनवर्स, इनवर्स मतलब इनवर्स उसी का होगा जो नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब बताते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट बराबर जीरो, दिस इज सिंगुलर. सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो. सो नॉन सिंगुलर मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल. सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब यहाँ से प्रॉपर्टीज देख रहे थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. अब क्या कर देते हैं, आई को यहाँ से डिटर्मिनेंट सब साइड डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आई एन बचेगा और यहाँ से क्या आता है, अब ये आगे आई एन सारे तरह डिटर्मिनेंट डिवाइड कर दिए, अब ए यहाँ डिवाइड हो जाएगा ए. सो ए डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स. नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स. यहाँ से ए आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ये टर्म बचेगा. यहाँ से ए डिवाइड कर दिए, इधर से भी ए डिवाइड कर दिए तो ए इन्वर्स यहाँ आ जाएगा. यहाँ क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यहाँ से भी क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ए यहाँ से आ गया इन्वर्स, सो इन्वर्स इज दिस. अब जैसे कि अगर ये जीरो हो जाए, दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो दिस इज यूडी, अनडिफाइंड. अनडिफाइंड, अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता, इसीलिए सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम मतलब इन्वर्स निकाल सकते हैं. सो दे आर इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स हो सकता है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम रैंक देखेंगे और एक प्रॉपर्टीज है वो भी शायद स्किप कर जाए. एडजॉइंट ऑफ ए, ए का ट्रांसपोज अगर निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोर्ट का एडजॉइंट अगर निकालना है, ए के ट्रांसपोज, ए आर के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है, तो आप इसको डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए का निकाल के लास्ट में हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो भी इक्वल होता है. तो दिस इज प्रॉपर्टी, आई थिंक ये क्लियर है कि ए का एडजॉइंट निकालें और उसका मतलब ए का ट्रांसपोज निकाल के उसका एडजॉइंट निकालें, या हम पहले एडजॉइंट निकाल ही दें उसके बाद ट्रांसपोज करें, ये आपस में बराबर होता है. अब देखेंगे रैंक. अब देखते हैं एक नया टर्म, सब मैट्रिक्स. अभी मैट्रिक्स तो देखे हैं, अब उसी में एक टर्म यूज होता है तो वो टर्म हम पहले डिस्कस कर देते हैं. सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, बस मैट्रिक्स का कोई पार्ट अगर हम ले लेते हैं तो उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं. इफ ए इज एनी, इफ ए, ए का कुछ एग्जांपल ही ले लेते हैं, 3 2 1 3 1 4 5 6 7. अब इसका हम सब मैट्रिक्स ढूंढेंगे तो कोई भी रो, कोई भी कॉलम अगर हटा देने से, अब इसमें ये रो हटा दी तब इसका क्या हो जाएगा, 3 3 5 2 1 6, ये इसका सब मैट्रिक्स हो गया. इसका बहुत सारा हो सकता है, ये वाला हटा देंगे तो क्या बनेगा, 2 1 1 4
सिक्स सेवन, ये भी इसका सब मैट्रिक्स है। तो क्या है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग बाय एलिमिनेटिंग ऑफ इट्स सम रोज एंड सम कॉलम देन द सब मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का जो कुछ एलिमिनेट करने पे, कुछ रॉ या कुछ कॉलम को, से ये कॉलम अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3, 3, 5, 1, 4, 7। तो सम रॉज एंड सम कॉलम आर एलिमिनेटिंग, देन द जो मैट्रिक्स मिलता है वो उस मैट्रिक्स का, जो गिवन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होता है। सब मैट्रिक्स में भी रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर शेप, मतलब रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर शेप भी होता है। तो सब मैट्रिक्स में भी रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर के भी होता है। तो कुछ नहीं है कोई भी मैट्रिक्स का, जैसे इस मैट्रिक्स का हम देख, कोई भी मैट्रिक्स का कुछ रॉ और कुछ कॉलम उड़ा देने पे जो मैट्रिक्स मिलता है वो उस मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग बाय एलिमिनेटिंग इट्स सम रॉज एंड कॉलम देन द सब मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो सब मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स में भी रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर, मतलब उसका शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट रैंक पे आ जाएंगे। अब ये एक है 3, 2, 1, 4, 6, 7, 1, 3, 2। अब इसका कोई भी पार्ट हम ये वाला रो उड़ा दिए तो क्या बचेगा, 3, 2, 4, 6, 1, 3, ये इसका सब मैट्रिक्स हो गया। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ये बी है, तो बी क्या हो जाएगा, बी ए इसका सब मैट्रिक्स हो जाएगा, बी सब मैट्रिक्स ऑफ ए। और उसके बाद हम अगर ये वाला रॉ ही हटा देते हैं तो क्या बचेगा, 4, 6, 7, 1, 3, 2, ये भी इसका सब मैट्रिक्स हो गया। अब ये वाला हम रॉ हटा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, 3, 2, 4, 6, 1, 3, ये भी इसका सब मैट्रिक्स हुआ। सब मैट्रिक्स को समझना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं रैंक, देखते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर। अब एक वर्ड आ रहा है माइनर, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। माइनर हम अभी पढ़े थे सब मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर। क्या हुआ, माइनर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है, सब मैट्रिक्स मैट्रिक्स के कोई भी पार्ट जो उसके, या कुछ रॉ उड़ाने से या कुछ कॉलम उड़ाने से जो हमको कुछ पार्ट आता है उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं, और सब मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसी को हम माइनर कहते हैं। तो माइनर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर, डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर। तो माइनर कुछ नया वर्ड नहीं है, डिटरमिनेंट सब मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट लेते हैं वो माइनर होता है। अब देखते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट, ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट नॉन जीरो माइनर, मतलब नॉन जीरो मतलब उसका कोई पार्ट लेने पे उसका जो मैट्रिक्स का वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अभी हम इनवर्स डिफाइन किए क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम क्या इनवर्स निकाल सकते हैं, तो नॉन जीरो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू है। ये क्या है, एक डिटरमिनेंट का ही वैल्यू है, समझो कि डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है और भी हाईएस्ट, सबसे नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, दैट मीन्स वो इन्वर्टिबल
इन्वर्टिबल मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है? उसका वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, वो जो सबसेट भी हो वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और उसका ऑर्डर जो होना चाहिए हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब वैसा ले जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है, और वो नॉन जीरो होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब कि नॉन जीरो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होना चाहिए। और अगर आपको पता चल गया तो वही उसका ऑर्डर जो होता है वही हो जाता है उसका रैंक, मतलब अगर 3x3 का मैट्रिसेस है उस वो अगर नॉन जीरो है तो उसका क्या ऑर्डर हो जाएगा 3, और अगर 5 का है तो 5, मतलब कि हाईएस्ट उसका जो वैल्यू होता है जो जिस पे वो इनवर्स शो करे, इनवर्टिबल हो जाए, नो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वो जो हो जाता है उसका रैंक कहलाता है। अब देखते हैं इतना से क्लियर हुआ, रैंक कुछ नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो और उसके जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है नॉन जीरो, मतलब ये नॉन जीरो माइनर, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही हमारा रैंक होता है। आप देखिए हम इसका एग्जांपल लेके बताते हैं, एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 4 3 1 2 3, अब ये ले लिए, अब इसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं, इसका 1 लेंगे यहाँ से आ जाएगा 12 -6 -2, ये ऊपर गला गया ये, तो 3 -3 -3 तो -6 + 3, ये गया -2 -4 -6, तो ये 0, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से आ जाएगा ये 6, सो नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 पे निकालने पे हाईएस्ट पे निकाले, और ऐसे हम इसका सब सब मैट्रिक्स ऐसे भी निकाल सकते हैं 4 3 2, ये भी इसका सब मैट्रिक्स है, इसका भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो लेकिन ये इसका 2 कभी रैंक नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछे था हाईएस्ट नॉन जीरो, हाईएस्ट होना चाहिए, ये 2 हाईएस्ट नहीं है, 3 ही इसमें हाईएस्ट है, इसमें 3 हाईएस्ट है, इसीलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, 2 पे भी नॉन जीरो शो कर रहा है लेकिन 2 नहीं होगा इसका रैंक, 2 पे भी, और यहाँ पे 1 पे भी हो जाएगा, 1 3 लिए 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका कोई एक पार्ट भी ले लिए, तो कुछ रॉ और कुछ कॉलम निकालने से इसका जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और हम उसके हाईएस्ट वैल्यू को, ये देखे ये भी नॉन जीरो है, इसका बहुत सारा पार्ट हो गया 1 2 -4, ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ऑर्डर क्या है 2x2 का है, तो 2 हो सकता है लेकिन 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट डिग्री उसका चाहिए, 2 हाईएस्ट नहीं है, 3 पे नॉन जीरो हो रहा है, तो 2 से बड़ा 3 है, इसलिए इसका रैंक 3 हो जाएगा। तो क्या हमें निकालना है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट पहले निकालना है, और वो निकल जाए तो ये नहीं कि वो खुश हो जाना है, उसके बाद ये देखना है कि अगर उससे बड़ा में भी नॉन जीरो आ रहा है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू, अगर मतलब 4x4 का मैट्रिसेस होता, 4x4 का, तो अगर सारा का डिटरमिनेंट निकालते तो 4 पे नॉन जीरो आया, 3 पे तो नॉन जीरो आ ही रहा है इसमें, और अगर 4 पे भी नॉन जीरो आ जाए तो इसका डिटरमिनेंट मतलब रैंक हो जाएगा 4। मतलब हमको क्या ढूंढना है, इसमें ढूंढना ये है, सबसे पहले डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और उसका जो पावर हो वो हाईएस्ट हो, अगर 4x4 का मैट्रिसेस हो उसमें नॉन जीरो हो गया यानी उसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, क्लियर है? और अगर हम एक इस पे एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। एक 4x4 का हम देखते हैं मैट्रिसेस का,
देखते हैं एक मैट्रिसेस का एग्जांपल लेके, जैसे एक 4x4 का मैट्रिसेस लिए, अब इसका कोई भी एक सबसेट हम देखते हैं, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा रैंक का, नॉट इक्वल टू 0, तो हम पहले ले लेते हैं एक 3x3 का, 1 2 3, 2 4 3, 3 2 1। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हमको यही चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब ये भी चेक करना है कि 4x4 में अगर नॉन जीरो आ जाए तो इसका रैंक 3 नहीं होके 4 हो जाएगा, लेकिन 4x4 का तो हम जानते ही नहीं है। अब ये सी बात है, 4x4 का हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो हम तो 3x3 का ही निकाल सकते हैं ना, और ऑब्वियस सी बात है इस 4 के केस में ये नहीं होता है। और ये देखिए, पहले तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर उससे बड़ा में भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक ऊपर वाला चला जाएगा। मतलब हम ये चेक करते हैं कि नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, वही रैंक कहलाता है। नॉन जीरो पहले हो सबसे पहला, और उसका जो ऑर्डर हो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, हाईएस्ट कितना हो सकता है, जो हाईएस्ट होता है दैट इज द रैंक ऑफ द दिस मैट्रिक्स। अब इसका हम अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3। ऑब्वियस सी बात है इसका रैंक 3 हो जाएगा। 4 के लिए तो हम फिर मतलब यहाँ 2 2 में भी आप निकाल सकते हैं, 3 2 6 8, ये भी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इससे बड़ा क्या आंसर है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, का पूरा कैंसिल नहीं हो जाए, पूरा का पूरा मतलब ये, लेकिन इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 3। तो हम क्या क्या चाहते हैं, 2 से बड़ा हाईएस्ट चाहिए, तो दैट इज 3। आर यू गेट इट माई पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ रहा है। और कुछ अब टर्म देख लेते हैं, नल मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन नहीं होता, तो द मैट्रिक्स ऑफ नल, द रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स इज अनडिफाइंड, क्योंकि इसका सब का सब 0 ही होता है, तो क्या निकालिएगा, इसका तो सबका सब 0 होता है, नल मैट्रिक्स का वैसे भी डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो नॉन 0 होगा, हम तो नॉन 0 ढूंढते हैं ना, हम तो ढूंढते हैं नॉन 0, इसमें तो सबका सब 0 ही है, तो इसका हम रैंक तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज अनडिफाइंड। अब देखते हैं किसी भी, हाँ, रैंक ऑफ द नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब ये अगर मैट्रिक्स है नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉट इक्वल टू 0 है यानी नॉन जीरो है, तो उसका जो रैंक होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है तो उसका रैंक 1 या 1 से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब क्योंकि नॉन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे ज़्यादा होगा या वही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है उससे एक लेवल ऊपर, एक ऑर्डर और ऊपर जाए वो भी नॉन जीरो है, यानी कि ऑर्डर वो हो जाएगा। इसमें इसका 4 ऑर्डर भी हो सकता था, लेकिन 4 में मतलब नॉन जीरो नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, इसीलिए 3 में देखते हैं तो नॉन जीरो है, तो 3 किस में हो जाए, तो 2 में भी नॉन जीरो है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर देखना है सो इसीलिए 3 हो जाएगा। नल मैट्रिक्स का क्या, अनडिफाइंड है क्योंकि उसमें सबका सब 0 है। अब रैंक ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन 1, मतलब नॉन जीरो है तो उसका या तो 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होता है। अब रैंक ऑफ ए नॉन जीरो रॉ और कॉलम मैट्रिक्स, अब रॉ का मतलब है कि एक ही रॉ होगा और कॉलम का भी मतलब है एक ही है, नॉन जीरो है तो उसका हमेशा 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए एक एक रॉ है 1 2 3 4, ये हो गया, अब ये क्या रॉ है तो रॉ का क्या हो जाएगा, इसका हमेशा 1 होगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट कभी 0 होगा ही नहीं। इसमें क्या है, रैंक ऑफ ए रॉ और कॉलम मैट्रिक्स है, या तो रॉ हो या तो कॉलम हो तो उसका हमेशा याद रखिएगा 1 के बराबर होता है। रैंक ऑफ ए रॉ और कॉलम मैट्रिक्स इज 1, देखिए 0 कभी होगा ही नहीं, नॉट इक्वल टू 0, सो इसका हमेशा 1 होता है, ये याद रखिएगा, ये रॉ है और कॉलम के लिए 1 2 3 4 ऐसे ही दिया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स इसका अगर रैंक पूछे तो 1, इसका भी रैंक पूछे तो क्या 1, यानी कि क्या हम सीखें, सीखेंगे कि रैंक ऑफ
रॉ और कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन, मतलब ये रॉ वाला है तो रॉ मैट्रिक्स, ये कॉलम वाला है, इसका रैंक अगर पूछे तो हमेशा वन, ये याद रखिए। और एक और टर्म है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा रैंक उसके ऑर्डर के ही बराबर आता है, मतलब कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 3x3 ऑर्डर का है, तो इसका अगर रैंक हमसे पूछे तो डायरेक्टली हम बता देंगे क्या 3, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही उसका मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑर्डर जिसे 3x3 का हम बताते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0, सॉरी 0 यहाँ पे 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका कोई भी पार्ट अगर आप लीजिएगा तो 0 ही आता है। हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट, इसका कोई भी अगर हम सबसेट निकाल लेते हैं, 0 0 1 0 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, सो इसका रैंक जो होता है हमेशा 3x3 का 3, और ऑर्डर अगर 4x4 होता तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होता है। आई थिंक ये क्लियर है, और यहाँ से भी समझ में आता है कि इसका कोई भी सबसेट लेते हैं तो 0 ही आ रहा है, इसीलिए इसका जो नॉन जीरो हाईएस्ट है वो इसके ऑर्डर के बराबर होता है। तो हम क्या सीखे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक 3x3 है तो इसका ऑर्डर क्या है 3, तो 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का द रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक लाइन हम सीख सकते हैं कि रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां से ये टर्म भी आप याद रखेंगे कि रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालना हो तो वो उसके सिर्फ ऑर्डर के बराबर होता है, यानी कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो इसका अगर रैंक पूछे तो इसका 3, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का हो तो इसका 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 का हो तो इसका रैंक 4। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रैंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।